करना है और किस तरीके से करना है, और साथ ही में कुछ हिंट्स और कुछ प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द फील्ड सर, वो क्या कर सकते सर हम? बहुत अच्छा सवाल है। फील्ड में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं पता है, बच्चे को, एक बच्चे को बताया कि ये प्लांट कलेक्शन करना है, तो सभी बच्चे उस पेड़ पे इतने टूट जाते हैं कि करीब करीब 50-60 ट्विग एक साथ ले लेते हैं, चाहे उसको चाहिए सिर्फ एक ही। लेकिन वो क्या करते हैं कि बहुत सारा प्लांट्स को डैमेज करते हैं। मेरी सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, कभी भी इतना मटेरियल कलेक्शन मत करो। अगर कलेक्शन करो, सपोज कि मैंने ट्विग ले लिया, तो आपको उसका हर्बेरियम कंपलसरी बनाना ही है, अदरवाइज प्लांट्स कलेक्शन मत करो। फोटो से काम चला लो। अभी हमने फील्ड ट्रिप में बॉटनिकल एक्सकर्शन के लिए जाते हैं तो बंद कर दिया प्लांट कलेक्शन करना। अब हम क्या करते हैं कि उसका फोटोग्राफी एविडेंस ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम में रिज्यू करते हैं और वो वैलिड है, तो सभी बच्चों को ये बोल ही दिया है कि आप फोटोग्राफ। एक अच्छा आर्टिकल आया था पहले, बॉटनिस्ट आर रियल डिस्ट्रॉयर। बॉटनी लोग होते ना, वही ज्यादा कलेक्शन करते हैं, ज्यादा डिस्ट्रॉय वही करते हैं। अभी हम कंजर्वेशन पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको प्लांट्स सपोज कि आपको चाहिए तो ही कलेक्शन करो। दूसरा क्या है कि वेजिटेटिव स्टेज में आप प्लांट कलेक्शन मत करो, या तो फ्लावर्स वाली ट्विग लो या तो फ्रूट्स वाली ट्विग लो, दोनों साथ है तो बहुत ही अच्छा है। अरे वो उसका कोई वैल्यू नहीं है जो वेजिटेटिव स्टेज में है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप प्लांट्स जब भी कलेक्ट करो तो फ्लावरिंग स्टेज या तो फ्रूटिंग स्टेज या तो दोनों साथ में तो ही कलेक्ट करो। दूसरा क्या है, जैसे हमें, आप नहीं मानोगे, सिरोपेजिया का एक ट्विग लेने में मुझे इतनी हिचहिचाहट हुई थी कि मैं इस प्लांट को ले लूंगा तो उसमें पोलिनेटर नहीं आएंगे, पोलिनेशन नहीं होगा, फ्रूट्स सेट नहीं होंगे। फिर भी डरते डरते मैंने एक छोटा सा ट्विग लिया, उस ट्विग से मैंने 3 हर्बेरियम बनाई। तीन हर्बेरियम सिरोपेजिया ओडोरेटा की मैंने बनाई। जैसे रेयर प्लांट है उसको भी आपको समझना होगा कि इस प्लांट्स की आसपास अवेलेबिलिटी कितनी है, बहुत कम है तो आप उस प्लांट्स को मत लो, ये बहुत ही जरूरी है रेयर प्लांट से।